सशस्त्र सीमा बल के 21वें बैच आरक्षी प्रशिक्षण का दीक्षांत समारोह का आयोजन फर्टिलाइजर स्थित परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप महानिरीक्षक प्रशिक्षु प्रशिक्षण रंजीत सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर परेड द्वारा सैल्यूट से मुख्यमंत्री को सम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया तथा आरक्षियों ने मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशिक्षण में कुशलता प्राप्त करने के बाद देश सेवा में तैनात सैनिकों के सामने काफी चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए हमारे सैनिक तैयार हैं। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सुंदर पोशाक में उमंग और जोश से भरे चटक कदमों के साथ दीक्षांत शपथ ग्रहण टोली कदम से कदम मिलाते हुए भारत माता में प्रवेश कर रही है। मानो एकाएक सैबार सा उभर आया है जो शीले वीरों की ये टोली होते हैं। थोड़े आगे तो अपरा तक ही नहीं लगती है। बहुत अच्छी फोटो है। स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन पर सवार हुए, साथ में महानिरीक्षक महोदय सीमांत मुख्यालय लखनऊ और आज के इस भव्य परेड का नेतृत्व प्रदान करने वाले परेड कमांडर श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून 1972 को हुआ। मात्र 22 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 1994 के दिन 2009 तथा शपथ ग्रहण की। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी राष्ट्र संत हैं, एक लेखक संस्था। आपका आशीष और नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण बाहर धीमी महोदय का अभिवादन किया। धीरे धीरे निरीक्षण बाहर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह पर क्षणिक जीत में बिखर हार में जीवन के सत सत आकर्षण पर हित अर्पित अपना तन मन जीवन को सत सत आहुतियों में जलना होगा गलना होगा रहे हमारा राष्ट्रध्वज देश के स्वाभिमान को दर्शाता है और निशान सशस्त्र बलों की वीरता जोश और कर्तव्य परायणता के लिए उत्साहित करता है। जिस तरह राष्ट्रध्वज देश की शान है उसी प्रकार बल का ध्वज बल के हर सदस्यों की आन बान और शान है। यह निशान हमें कर्तव्य पथ पर मर मिटने के जज्बे को दोहराता है। वर्ष 2004 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र सीमा बल को यह अलंकरण प्राप्त हुआ। बल को राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त यह निशान बल की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है। बल को लेकर आप चले हैं निरीक्षक सामान्य सतवीर जी, उप निरीक्षक सामान्य मानकर शपथ लेता हूं कि भारत तथा विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म सच्चाई ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन जल भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। चाहे उसने अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हे हे हे।
करता है और आशा करता है ये
अपनी सेवा कर्तव्य निष्ठा समर्पण से देश सशक्त सीमा पर वह अपनी वाहिनी का नाम अपने कार्यों से गौरवान्वित करेंगे। कांस्टेबल जी डी संजीव कुमार, जय श्रीमान। बेस्ट इंडोर ट्रेनिंग कांस्टेबल जी डी सुमित कुमार, जय श्रीमान। बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग कांस्टेबल जी डी गौतम कुमार, जयश्रीमान। बेस्ट ड्रिल एनकाउंटर कांस्टेबल जी डी प्रदीप कुमार, जयश्रीमान। बेस्ट फायर कांस्टेबल जी डी चंदन कुमार, जयश्रीमान। जयश्रीमान। बेस्ट ट्रेनिंग कांस्टेबल जी डी, जय श्रीमान। जय श्रीमान। सशस्त्र सीमा पर ये तो देखिए प्रशिक्षण आयोजित आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक श्री सौरभ त्रिपाठी जी, उप महानिरीक्षक श्री रंजीत सिंह जी, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, पराज केसर प्रशिक्षण शिविर में सकुशल अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इस परेड में शामिल हुए सभी एसएसबी के जवान और उपस्थित सज्जनों, मैं सर्वप्रथम आप सबको देश के 72वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज यहां 21वें बैच बीआरटीसी के जवानों के दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे सभी 913 जवानों को बधाई देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप पूरी बहादुरी, सतर्कता और सजगता के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। आप सब जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल का गठन 1962 में हुई थी। स्थापना के पश्चात ही इस बल ने उत्तर पूर्व और अन्यत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार का कार्य अदम्य साहस और ऊर्जा के साथ किया। इस बल ने सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा का सहभागी बनाया है।
वर्ष 2001 में सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में 1751 किलोमीटर के इस सीमा की रक्षा का दायित्व भी दिया गया। मुझे याद है वह समय ऐसा समय था जब इस सीमावर्ती क्षेत्रों में तमाम प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे और उस समय एक और हम लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि स्थानीय सिविल पुलिस के सहयोग के साथ यहां पर पैरामिलिट्री लगाई जानी चाहिए। नेपाल के साथ हम सब के संबंधों को देखते हुए इस बात को ध्यान में रख करके तत्कालीन सरकार ने सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा का दायित्व दिया था। पिछले 17 वर्षों में जिस कुशलता के साथ भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व सशस्त्र सीमा बल ने निभाया है, अति संवेदनशील हो रही सीमा को काफी हद तक सुरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं सशस्त्र सीमा बल के उन सभी अधिकारियों और सभी बहादुर जवानों को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से साधुवाद भी देता हूं। सशस्त्र सीमा बल के इस सहभागिता को ध्यान में रखकर के 2004 में भारत भूटान की 699 किलोमीटर की सीमा का दायित्व भी सशस्त्र सीमा बल को दिया गया और देश की गौरवपूर्ण सेवाओं को मान्यता देते हुए 2004 में सशस्त्र सीमा बल को राष्ट्रपति अलंकरण प्रदान किया गया। सशस्त्र सीमा बल आज अपनी 73 बटालियनों की क्षमता के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। सीमा रक्षक बल लीग इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में SSB ने भारत नेपाल भारत भूटान सीमा पर अपराध, अवैध घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम बड़ी प्रभावी तरीके से करके इन सीमाओं पर मानव तस्करी और वन अपराधों की रोकथाम में भी बल की बुनियादी भूमिका रही है। सशस्त्र सीमा बल ने छत्तीसगढ़ का झारखंड में माओवादी हिंसा के प्रभावी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और असम में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने में भी सशस्त्र सीमा बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा के दौरान सशस्त्र सीमा बल ने दुर्गम इलाकों में तीर्थ यात्रियों और सामान्य जनता को सफलतापूर्वक सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही SSB सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में एक रोल मॉडल फोर्स के रूप में उभरी है। बल ने न सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है बल्कि नेपाल और भूटान के साथ अपने पुराने आत्मीय संबंधों को भी कायम रखा है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बाढ़ के समय या फिर किसी भी अन्य आपदा के समय सशस्त्र सीमा बल ने राहत दल के रूप में जो सराहनीय कार्य किया है उसकी सराहना सर्वत्र होती रही है। तमाम उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट, खेलो इंडिया आदि में भी सशस्त्र सीमा बल की सराहनीय भागीदारी रही है। सशस्त्र सीमा बल ने
सीमावर्ती क्षेत्रों के जरूरतमंद नागरिकों और साथ ही उनके पशुधन के लिए भी समय समय पर चिकित्सा शिविर और अन्य जागरूकता के शिविर लगा करके देश और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। आज 913 नौ प्रशिक्षित जवान सशस्त्र सीमा बल की इस गौरवशाली परंपरा के सदस्य बन रहे हैं। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात अब इन सभी जवानों को भारत नेपाल भारत भूटान की खुली सीमाओं की रक्षा का दायित्व दिया जाएगा। इन दोनों देशों के साथ हमारे देश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, आवागमन निर्बाध रूप से होता रहा है। इसका लाभ तमाम असामाजिक और अराजकीय तत्व उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे जवानों की सजगता और सतर्कता सदैव उनके नापाक इरादों को निष्कनाबूत करके रही है। और मुझे लगता है इन बहादुर जवानों के पास राष्ट्र की सेवा का एक अद्भुत क्षण एक बार पुनः आया है। जब हम भारत नेपाल की सीमा, भारत भूटान की इस सीमा की सुरक्षा के साथ साथ इन दोनों देशों के साथ अपने आत्मीय और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में अपनी भूमिका का, अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन हम अपनी सेवाओं के माध्यम से कर सकते हैं। मैं इन नौ आरक्षकों को विभिन्न सैन्य विधाओं में दक्ष और योग्य सैनिक ही नहीं अपितु जिम्मेदार नागरिक और मानवता से भरी युवा शक्ति को तैयार करने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं। कितनी जोरदार परेड यहां पर इन सभी जवानों की रही है, वो सचमुच बहुत सराहनीय है, हम सब के लिए गौरवपूर्ण है। हमारे जवानों के बारे में एक बात कही जाती है कि हम प्रशिक्षण के दौरान अपना जितना पसीना बहाएंगे उतना ही हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में कम खून बहाने की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपका जो बेहतर प्रशिक्षण है या हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारी उन संवेदनाओं को जो इन दो महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के सदियों से चले आ रहे आत्मीय संबंध हैं, इनको प्रगाढ़ बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आप सभी ने निश्चित ही स्वरूप में एक सराहनीय कार्य किया है। इस दीक्षांत परेड की उत्कृष्टता इस बात को सिद्ध करती है कि आप सब धैर्य ईमानदारी और अनुशासन के साथ साथ अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्र रक्षा के कार्य में सशस्त्र सीमा बल के महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका के दृष्टिगत वर्तमान एफसीआईएल कॉम्प्लेक्स ने सशस्त्र सीमा बल को 125 एकड़ भूमि प्रदान की है। मैं यहां एक परिपूर्ण एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन आप सबको देता हूं। अंत में मैं यहां आप सही आरक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस विश्वास के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूं कि आप सभी अपनी वीरता दक्षता सेवा कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से अपने देश और सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
आज के इस पावन मेला में प्रकृति की मानव की रणबांकुरों के साथ देश सेवा की मस्ती में झूम रहे हो। आसमान में विचरारे बादल मंद गति से बहती हुई मंद मस्त हवाएं मानो इन नौ आरक्षियों को आशीर्वाद दे रहे हो और किले की प्राचीर मानो तुम्हें संदेश दे रही हो कि चट्टान की भांति अड़ी रहे व भारतीय तिरंगे के साथ आगे बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहो। आइए हम सब भी इन रणबांकुरों के सुखद व मंगल भविष्य की कामना करें। अब आपके सामने प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर के ब्रास बैंड दस्ता अपनी स्वर लहरियों की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व मुख्य आरक्षी रंजन कुमार राय। Thank you.